हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आप सब देख रहे हो जैसे कि हम गाड़ी में बैठे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम कहीं जा नहीं रहे, हम गाड़ी वॉश करने आए हैं। क्योंकि हमारे जो गाड़ी वॉश करते हैं ना अंकल, वो अपने गाँव गए हैं। तो कितने दिन हो गए गाड़ी मेरी वॉश नहीं हुई है, और इस वजह से। और ये भाभी कर रही है ड्राइविंग, थोक मत देना कहीं। और भाभी कर रही है इधर ड्राइविंग, और कुछ गाने वगैरह चला लें क्या? और तो ना ये जो गाड़ी है ना, ये मेरी गाड़ी है, और ये बस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जब मेरे हस्बैंड बाहर गए थे तो गाड़ी यहीं पर छोड़ के गए थे, और जब वो आएंगे तो तभी पंजाब जाएगी गाड़ी। तो बाकी ये है कि पापा तो अपनी ले गए हैं, तो भाभी की एक्टिवा और मेरी गाड़ी है जो कितने दिनों से वॉश नहीं हो रही, और अंदर से भी आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदगी हो रही है गाड़ी में बहुत ज़्यादा। तो आज भाभी और मेरा प्लान ये था कि चलो हम लोग आज सफाई कर लेते हैं गाड़ी की, घर में फ्री है क्या करें, और चलो हम गाड़ी वॉश करेंगे। व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और हम आगे फिर से उसे घूम के अपनी जगह पर जहाँ पे मैं गाड़ी वॉश करनी है। और भाभी काफ़ी अच्छी सीख गई गाड़ी, और वैसे मैं भी सीख चुकी हूँ, पर मुझे ना थोड़ा डर सा लगता है। बस पापा मेरे बोलते हैं कि सीखने के लिए डर निकालना पड़ेगा। अभी देखूंगी, कोशिश करूंगी, मैं भाभी से बोलूंगी कि मेरे को भी चलानी है, तो देखते हैं। चलो बाकी हम वॉश करते हैं गाड़ी, और अब देखना। गाइस, आप सब देख सकते हैं कि वहाँ वहाँ पे भाभी अभी अपनी एक्टिवा साफ कर रही है, फिर बाद में मेरी गाड़ी की नंबर आएगा। और भाभी मुझे बार बार देख रही है कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर रही ना, और ये शायद अपना बाल्टियों से थक गई पानी। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि पाइप ले आओ, ऊपर भी मार दो ना थोड़ा सा। अच्छा मैडम जी, और कुछ मैम साहब, और कुछ ऊपर से ऐसे लगे। अरे ऐसे खोल के तो लगेगी यहाँ पे चढ़ के। कैसे चढ़ू, मेरे पैर गीले हैं। हट जाओ। मेरी बाई नहीं, बाई बाई नहीं, हमारा अंकल नहीं आया गाड़ी पे, जम गई काई। हमारा अंकल नहीं आया गाड़ी पे, जम गई काई। गाड़ी को तो आज ऐसे निला दूंगी, ऐसे निला दूंगी, ऐसे नहला दूंगी। दे ये लुगाई मेरा नुक्स निकाले लगे। सही है बिल्कुल। अब फोन कहाँ जा रहा है, खुद कहाँ देख रही हो? गाइस, आप सब देख सकते हैं इधर मेरी गाड़ी हो चुकी है साफ, और कितनी चमक गई है। उधर भाभी की एक्टिवा भी हो गई है साफ, इधर गाड़ी हो गई है सारी साफ। गाइस, तो वी आर बैक। तो गाइस, जैसे कि आपने मुझे देखा था, मतलब मेरा व्लॉग, कि हमने आज गाड़ी साफ करी और बहुत बढ़िया तरीके से हो गई, गाड़ी पूरी चमक चुकी है। और फिर हम ना दिन में आके सो गए थे भाभी और मैं, है ना। तो हम से भी शाम को उठ के फिर चाय वगैरह पिया, फिर डिनर वगैरह बनाया था, थोड़ा व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो शाम के बज रहे हैं 7, और आप देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ पर रेडी हूँ, शूज पहनने वाले रह गए, शूज पहनूंगी। और क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग जो जा रहे हैं ना, वो हम जा रहे हैं हमारे, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में कई बार देखा होगा, नोएडा स्टेडियम, जहाँ पे मेरे घर के पास ही है, जस्ट बिल्कुल बगल में ही है। और वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे ना ट्रेड फेयर लग रहा है कपड़ों का और झूलों का, मतलब बहुत सारी चीजें। अभी तक हम लोग गए नहीं है वहाँ पर, हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी सारे तैयार है। और एक मिनट, और जैसे मैं बताऊंगी आपको, ये बच्चा नया दिख रहा होगा तो मैं बता दूं, ये जो मेरा ताऊ जी का बेटा है, उसका बेटा है, यानी मेरा भतीजा ये भी, और ये भी आया है। और तो आज हम सारे जा रहे हैं, मम्मी भाभी मैं और ये बच्चे, हम सब जा रहे हैं नोएडा स्टेडियम। डैडी मेरा ऑफिस, ओहो बच्चे बहुत शोर मचा रहे, और ये मम्मी आ गई। मम्मी कह रही रहने दे बच्चे, अब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि शोर ही ज्यादा मचा रहे हैं। सबको पता है बच्चों को ना एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाती है। ये देखो 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 इनकी एक्साइटमेंट देखो। आ चुकी है, और भाभी जो अपने शूज पहन रही है, रुक जाओ, यहाँ पे लिफ्ट आ चुकी है, आ जा। और हम सब बच्चे वेट कर रहे हैं भाभी का, कि भाभी आ जाए।
चलो अंदर से चलो, कोई नहीं पूजा आ जाएगी, कोई नहीं अंदर चलो। मम्मी मैं सीढ़ियों से आ रही हूँ, सीढ़ियों से आ रही हूँ। फिर मैं की जाऊँ सीढ़ियों से, बोलो सब जा रहे ग्राउंड के बाद टच कर दिया। हेलो हाउ इज बच्चो, कैसा लग रहा है तुम सबको? तुमने एक पकड़ लिया, डर लगता है? डर नहीं लगता ना, देखो ना मम्मी है ना, मेरी बहन से बात कर रही। हाँ चलो 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 आ जाओ चिल्लर पार्टी। चलो गाइस हम ना, गाइस हम ना आपको वहाँ जाके मिलते हैं, ठीक है? और क्योंकि बैठ जाए बस गाड़ी में, फिर वहाँ जाके मैं आपको मिलती हूँ। आप तब देख सकते हैं कि मैं पहुँच गई हूँ, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिज्नी हाउस बना है, और ये चिल्लर पार्टी, और ये ही मैं। बच्चों फोन फन करोगे बहुत सारा, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई बच्चों। चलो सेकंड करो लंबू अंकल से। बड़ा लो से, और हम लोग जो टिकट है 1% 30 rupees है, और यहाँ पर आप अपने घर के लिए डेकोरेशन की चीज़ भी ले सकते हो। और अभी बाकी देखेंगे कि क्या क्या अंदर है अभी घूमने के लिए। हो चुकी है और व्यू देखो, इशारा मार करके देख ले। चलो बेकार, चलो हार गया। अब नेक्स्ट टाइम नहीं, इसका भी नहीं लगा। अरे यार इनसे किसी से नहीं लग रही, लग गया अंशु का नहीं। शुरू चलो अब भाभी की बारी, अब भाभी की बारी। नहीं नहीं नो, मम्मा की टर्न। गाइस भाभी का निशाना देखते लगता है कि लगेगा, नहीं लगा। अब मेरी, अब हुआ दिखा। चलो चले गए, एक और एक और एक और, कितना भी अभी हमारी 5 हुई है, अब छठी है ये। ओ येलो येलो लग गया मेरा, एक एक बार हो रहा है। मैंने फोड़ दिया ना, जो अब रिंग वाला करने लग गया। चलो लक आजमाते हैं, पहले फर्स्ट टाइम मम्मी की है, साइड है ना भाभी, साइड हो ना भाभी, फर्स्ट टाइम मम्मी की है, देखते हैं मम्मी कर पाती कि नहीं। ओ चलो मम्मी नहीं कर पाई, चलो ओ बच गया पीयूष का। अंजू अंजू जीत गया ना, धीरे से ओए चलो। चलो चलो करो भाभी जल्दी, चलो अब मेरी लक साबुन मिला गाइस, मेरी रिंग जो ढल गई मुझे लक साबुन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊंट की सवारी भी है। वाओ और ट्रेन भी चालू हो गई है, पर जो ऊँट की सवारी ना बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, एक जने की 150 rupees। तो हम लोग कितने जने आप लोग लगा लो, तो हमने सोचा इस अच्छा बच्चों को हम झुला देते हैं। ऊँट की देख लो कितना बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा ये बोटिंग भी है। डांस करके दिखाओ डीजे पे, डांस करो चलो डांस करो।
बहुत कुछ आप सब देख सकते हैं, ये क्रॉकरी वगैरह है, डेकोरेशन के लिए घर के लिए आप ले जा सकते हैं। हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं और घर पे आ चुके हैं तो हम थोड़ा सोच रहे हैं कि ना अपने मतलब भाभी को तो आती है कार चलानी, तो मेरे को अभी इतनी नहीं आती, तो मैं भाभी मुझे ड्राइविंग सिखा रही है, तो सोचा चलो अब गाड़ी में तो गए थे भाभी के साथ ही गए थे हम लोग, और तो मैं सोच रही हूँ चलो एक राउंड मैं भी कॉलोनी में कर लेती हूँ। बाकी मैं रोज़ सुबह 4 बजे जाती हूँ अपने पापा के साथ। तो भाभी ने गाड़ी अंदर लगा दी थी तो वह बाहर निकाल रही है, मैं कहा मुझे भी ट्रेनिंग करा दो क्योंकि सुबह फिर मॉर्निंग में नहीं मेरे से 4 बजे उठा जाता, तो हमने सोचा कि हम सुबह की जगह ना रात को ही हम लोग कॉलोनी में चला लिया करेंगे क्योंकि इस टाइम कॉलोनी में कोई नहीं होता। तो भाभी निकाल रही है, हाँ ठीक है इधर ले लो, बस 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 चलो मैं करती हूँ और आप लोग भी देखना कि मैं ड्राइविंग सही करती हूँ या गलत करती हूँ। तो गाइस यहाँ मेरी गाड़ी चल चुकी है, मेरी ड्राइविंग जो है अब ख़त्म होती है क्योंकि मैंने काफ़ी देर चला दिया और यहाँ भाभी मेरी ड्राइविंग ख़त्म होती है। और अभी हम इतने पक्के खिलाड़ी नहीं हैं कि हम गैरेज के अंदर लगाएंगे, तो गैरेज के अंदर तो भाभी लगाएगी, गैरेज के अंदर तो भाभी लगाएगी। यही ये करते हैं हम व्लॉग की एंडिंग, और अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं जरूर दबा देना, हाँ तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट कर लेना, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गुड नाइट।